जैन साथियों, कैसे उम्मीद आशा बच्चे होंगे आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चली गई। साथियों, एग्ज़ाम में कई ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अपने साथ डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते तो उनको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं फिर आपके पास उतना समय नहीं रहता कि आप डॉक्यूमेंट ला सके। तो जो जो मैं बता रहा हूँ गलती मत करना, नहीं तो फिर इतने बड़े एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करने आए बस आप डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाएं। तो जो जो मैं बता रहा हूँ, आपको पेन कौन सा ले जाना है, घड़ी ले जाना अनिवार्य है कि नहीं, डॉक्यूमेंट में आपका आधार लगेगा, पैन लगेगा, फ़ोटो लगेगी या नहीं, और यही सब चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल के कितने घंटा पहले पहुँचना है और कितने बजे आपको एंट्री करना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके पास एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका पहला पेज होना चाहिए, ये जो लास्ट के दो पेज हैं वो ले जाएंगे, कोई फालतू का वहाँ मतलब नहीं है कि आप सोचेंगे रेफर के लिए काम, वो दो पेज आपके वहीं फाड़ के फेंक देंगे बाहर एग्ज़ाम सेंटर के। तो कलर प्रिंटआउट कोई ज़रूरी नहीं, आपका ब्लैक एंड वाइट है, कलर्ड है, कोई भी है, दोनों चलेगा, ब्लैक एंड वाइट भी चलेगा, कलर्ड के पीछे मत भागिए, ब्लैक एंड वाइट ही हमने जहाँ तक आज तक ले गया हूँ ब्लैक एंड वाइट ही लेगा। तो कल ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, उसकी एक फ़ोटो कापी ले लीजिएगा, चाहे तो आप दो करवा लीजिएगा, दो रखे, एक मान लीजिए आपका फट गया तो एक तो आपके पास रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपके पास, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट, जो भी आपके पास कोई आईडी हो उसको एक आईडी वो ले लीजिएगा, उस ओरिजिनल आईडी और उसके एक फ़ोटो कापी करवा लीजिएगा। जैसे आप आधार कार्ड ले जाए तो आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, पैन कार्ड तो पैन कार्ड की फ़ोटो कापी, और ड्राइविंग लाइसेंस का तो उसकी फ़ोटो कापी। और बहुत से साथियों का कमेंट रहता है कि ई आधार कार्ड चलेगा, तो इसमें ई आधार कार्ड भी आपका चल जाएगा, तो ई आधार कार्ड है तो उसकी भी फ़ोटो कापी करवा दें। उसके बाद क्या करना है, आपको दो फ़ोटो अपनी ले लेना, आपको उसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको दो फ़ोटो लेके जाना है। कभी होता है कि आपका फ़ोटो वगैरह मिसमैच होता है, तो जब आप फॉर्म भरने के समय फ़ोटो ले गए थे तो वही फ़ोटो ले लीजिएगा, वहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास फ़ोटो रहेगी, आपको बार बार बाहर भागना नहीं पड़ेगा। तो दो फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें कभी कभी मांगा जाता है कि रोल नंबर लिख के अपनी फ़ोटो सबमिट कर दीजिए, तो ऐसा होता है तो वहाँ जब ज़रूरत पड़े ताकि आपको कहीं भागना पड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, दो पेन, आप दो पेन ले लीजिएगा, काला और नीला, जो आपका डॉट पेन सबसे अच्छा हो उसको घर पे पहले नया पेन लेके मत जाइएगा मेरे भाई, नहीं तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। कोई दो पेन हो जाके आज ही खरीद लीजिएगा और उसमें जो है उसको दो तीन दिन यूज़ कर लीजिए, और घर पे OMR भरने की एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको OMR मिल जाएगी, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ भी OMR है और मैंने OMR भरने का वीडियो भी बनाया है, OMR आपको कैसे भरना है गलत नहीं हो, क्योंकि OMR भरने से भी 1-2 लाख छात्र बाहर हो जाते हो, जैसे बता रहा हूँ वैसे OMR भर लेना, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा OMR भरने का, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी सबका क्वेश्चन रहता है कि घड़ी, तो घड़ी मेरे भाई वहाँ अलाउ नहीं है, घड़ी आपके पास चाहे जितनी सिंपल हो चाहे, तो वो भी कोई भी वहाँ अलाउ नहीं करता। कभी कभी होता है किसी एग्ज़ाम हॉल में आपको घड़ी मिल जाती है, अगर घड़ी नहीं मिलती तो वहाँ बेल सिस्टम चलता है, पहले 1 घंटे में आपको बेल बजेगी, जब आधा घंटा बीत जाएगा तो फिर बेल बजेगी, फिर 1 घंटा बीतेगा फिर बेल बजेगी, जब 1.5 घंटा बीत जाएगा फिर बेल बजती है, फिर लास्ट का जब आपका 15 मिनट बजता है फिर बेल बजती है। तो इस बार आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है OMR भरने के लिए, तो 2 घंटा 5 मिनट का आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेके नहीं जाना है। अब बात आती है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कब करना है, जैसे मॉर्निंग में है जिनका पेपर है तो वो लोग 8 बजे से उनकी एंट्री चालू हो जाएगी और लास्ट एंट्री उनकी होगी 9:30 बजे, तो 9:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी। तो आपको एंट्री कब कर लेना है, आपको 8 बजे से 9:30 के बीच में कभी भी एंट्री कर लेना है, 9:15 तक आपको हर हालत पर एंट्री कर लेना, लेकिन बाद में आप ये सोचे कि 9:30 बजे एंट्री होगी तो नहीं होगी, गेट बंद हो जाएगा, तो फिर आप चाहे जितना हाथ पैर जोड़ ले तो आपको फिर वहाँ दिक्कत होगी। तो एग्ज़ाम हॉल हॉल में कोशिश करें कि आपको 2 से 3 घंटा पहले पहुंच जाए, ताकि वहां आप रिलैक्स हो जाएं, ताकि आपको सेंटर ढूंढने में दिक्कत, कभी कभी ऐसे अभ्यर्थी होती जो ट्रेन और उसके चक्कर में पड़े रहते हैं कि ट्रेन जो है एग्जैक्ट 2 घंटे पहले पहुंचेगी वहां, तो मेरे भाई कोशिश करें आपका इस बार होम जनपद आपका सेंटर मिला है तो 1-2 घंटे पहले 3 घंटे पहले सेंटर पर पहुँच जाए, ताकि आप भी रिलैक्स हो जाएँ, गाड़ी वगैरह में अगर आपकी पंचर हो जाती है कुछ भी हो जाए तो कम से कम आप पहुँच तो सकते हैं लिफ्ट मांग के। तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 2 से 3 घंटा पहले एकदम हर हालत पहुँच, और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं मेरे भाई वो ध्यान देना कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होता है उसको एनालाइज करके ज़रूर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के आते हैं वो शाम वाली शिफ्ट में सेम रहते हैं, बस डिजिट का फ़र्क होता है। जैसे कोई नया क्वेश्चन पूछा है तो आप उस क्वेश्चन का अगर अपने जो फेवरेट आपका यूट्यूब चैनल हो जहाँ से आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, एग्ज़ाम पूरा RWA और जो भी अन्य हैं, तो वहाँ वो लोग मैथ और रीजनिंग के
आप लोग पहले से कमेंट करके रख रहे हैं कि सोल्यूशन जो रुक रहे हैं, तो वहाँ से जैसे कुछ नया क्वेश्चन नया टाइप का आता है पैटर्न, तो लोग सोल्यूशन करवा देंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप आगे का क्वेश्चन तो कर सकते हैं। और जिनका भी एक दिन बाद है या तो जैसे जीके को कुछ नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं अनुसंधान वगैरह या कुछ भी पूछे जाए, तो आप उनसे जो है एक बार पढ़ लीजिएगा जिनका 18 के फर्स्ट और सेकेंड में, तो वहाँ से भी आपको एक दो कम से कम 4-5 नंबर का तो 4-5 क्वेश्चन का तो फ़र्क मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेजन में फिर नुकसान होगा। फ़ायदा किसको होगा, 17 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको पता नहीं कि पेपर कैसा आएगा और किस पैटर्न से आएगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन होगा। तो जिनका 17 की सेकंड है, 18 की फर्स्ट, 18 सेकंड, तो वो लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। ये हो गया आपके, अब आपके जो आया है उसमें एडमिट कार्ड में उसमें क्या क्या लिखा है, मैं उसको एक बार आपके हाईलाइटेड तरीके से पढ़ देता हूँ, तो आप जो जो लोग नहीं पढ़े तो एक बार। तो इसमें क्या होता है, एक आपका इसमें दिया पहला ऑफलाइन OMR परीक्षा होगी, दूसरा एक 150 क्वेश्चन होगी, तीसरा आपका 120 मिनट की परीक्षा होगी, चौथा आपका निगेटिव मार्किंग 0.5 की हो। ये आप भूल के भी मत करना कि जब आप वाइटनर में एक बार गोला भर दिए, जैसे आपने ए ऑप्शन भर दिया और आदमी आपको बाद में लगा कि आपने सी ऑप्शन इसका सही होगा, तो आप मिटाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपका गलत हो गया तो फिर गलती रहेगा, उसको ना आप ब्लेड से खिसकाइएगा ना पेन से, तो वो गलत हो गया तो फिर उसके पीछे मत भागिएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा है आपका कि आपके जो जैसे कोई क्वेश्चन क्या कभी क्या होता है कि हिंदी में गलत छपता है और इंग्लिश में सही होता है, तो इंग्लिश वाला ही हमेशा मान्य होता है, तो जैसे आपको लग रहा है हिंदी में वो गलत है तो एक बार इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश वर्जन ही आपका सही माना जाएगा, ना कि हिंदी वर्जन। तो हिंदी इंग्लिश वर्जन पर ही फोकस करिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है। बाकी आपको परीक्षा में समय से पूर्व पहुँच जाना है, यही सब चीज़ें लिखी, बाकी जो था मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप जो है केवल 2 पेन ले जाइएगा, ब्लू और ब्लैक दोनों ले लीजिएगा, बाकी आपके अंदर कोई भी आप नहीं ले जा सकते, चाहे कोई भी आपका आभूषण हो या कोई आपका जैसे पर्स वगैरह है, पर्स वगैरह नहीं ले जाइएगा। पैसे, पैसे आप जो है जैसे क्या, तो आपके पास पर्स है तो उसमें जितने सिक्के हैं उसको रख दीजिएगा, क्योंकि सिक्के अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। बाकी नोट वगैरह हैं जो दूर से अभ्यर्थी आते हैं, तो नोट वगैरह अपने जेब में रख लीजिए, अगर नोट वगैरह आपके अलाउ होते हैं तो। पैसे जो आपके होते हैं चेंज वगैरह 1, 2, 4, 10, 5 के सिक्के, उसको उसमें पर्स में रख देना, और बैग में रख के मोबाइल वगैरह साइलेंट करके आप वहाँ जमा कर देंगे, तो वहाँ 10 से 20 रुपये लेते हैं बैग जमा करने का, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, चाहे आप अकेले आए, अगर अकेले आए तो आप जमा कर दीजिएगा, अगर कोई साथ है तो उसको दे दीजिएगा, तो वहाँ आपके पैसे ले जा सकते हैं, कोई नोट सिक्के नहीं ले जा सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, और बाकी कुछ तो इसमें नया नहीं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। और जो लोग नकल के भ्रम में बैठे हैं कि परीक्षा में नकल होगी, लोग 8-8 लाख रुपये दे रहे हैं, तो आप देखिएगा जो जो 8 लाख रुपये के चक्कर में पड़ा है, और एक बार आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा कितना जुगाड़ लगा है। वो मेरे समय में भी ऐसा हुआ था, कई लोग कह रहे हैं मैं 4 लाख दे गया हूँ, ये हुआ, बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो पढ़ लिए होते तो बाद में पछता रहा है कि यार मैं पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, नकल के भरोसे है, तो ऐसा होता है। अफवाह में मत पड़े, अपना पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि ये समय अपना अगर पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपका सिलेक्शन, निगेटिव के चक्कर में रहेंगे तो आपको फिर दिक्कत होने वाली है। जैसे मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा।